एपिसोड की शुरुआत में वो अंकल वूजी से कहते हैं, क्या आप उन्हें मारेंगे? क्या हमारी फैमिली ने आपका कुछ बिगाड़ा है? वूजी उनसे कहता है, ये सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका है। इस तरफ हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसे वूजी ने मारा था। वो उठ जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? वो वूजी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा होता और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी परमिशन के? तभी वूजी उसे फिर से एक जोरदार लात मारता है और ये लात भी इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि वो दीवार में जाकर चिपक जाता है। वो सोच रहा होता है, आखिर ये किस तरीके का मॉन्स्टर है। इस तरफ वो लड़की सोच रही होती है कि ग्रैंडपा मुझे माफ़ कर दीजिए, क्या मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी? और इधर दूसरी तरफ हमें वूजी को दिखाया जाता है जो उसके ग्रैंडपा को हवा में ही धो रहा होता है, बिल्कुल किसी कपड़े की तरह, कभी दाएं तो कभी बाएं, कभी ऊपर तो कभी नीचे। वो बंदा जिसे वूजी ने मारा हुआ होता है वो चिल्ला रहा होता है, तुम लोगों ने ग्रैंडपा को मार दिया है, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली के हेड अब मारे जा चुके हैं, अब तुम लोग क्या करने वाले हो? इधर वो लड़की ग्रैंडपा को उठा रही होती है। हम देखते हैं कि बूढ़ा वो अचानक से उठ जाते हैं और कहते हैं, हाँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है बच्चे लोग, मुझे बहुत लंबे समय बाद ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मेरी इंजरीज भी हील हो चुकी हैं। वूजी वहाँ से जाने लगता है और कहता है, अब ये ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और इनकी इंजरीज भी अब हील हो चुकी है, तो मेरा यहाँ पर कुछ काम नहीं, इसलिए मैं चलता हूँ। वो अंकल वूजी से कहते हैं कि ये हमारी खुशनसीबी थी कि आप हमारी मदद करने के लिए आए, हम आपके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे, अगर आपको फ्यूचर में कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी फैमिली हमेशा आपके लिए खड़ी है। वूजी भी उनसे पूछ लेता है, क्या आप लोगों के पास कोई ऐसे हर्ब्स हैं जो 100 साल पुराने हों? वो अंकल बताते हैं कि वो हर्ब्स जो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, और अगर मैं सचमुच बात करूँ तो एक लास्ट बचा हुआ था जो ग्रैंडपा ने इस्तेमाल कर लिया अभी जब वो बीमार पड़े थे तब, लेकिन क्योंकि मैं आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ इसलिए मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ कि मैं उन हर्ब्स को ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा। वो पिटा वो बंदा कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? वूजी कहता है, ठीक है अब मैं चलता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ अपने ही पर्सनल काम हैं जिनसे मुझे निपटना है। वो अंकल कहते हैं, रुकिए रुकिए, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो आपको सही जगह पर जाके छोड़ देगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वूजी कार में बैठा हुआ होता है और हमें पता चलता है कि वो अब अपने घर वापस जा रहा है। वो बैठे बैठे सोच रहा होता है कि तुमने मेरे लिए अपनी उस ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख सहा, बहुत ज़्यादा मार भी खाई और यहाँ तक कि तुम्हें मार भी दिया गया, लेकिन मैं इस ज़िंदगी में तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जिए मदर, मैं आपके लिए लग्जरियस कार, होटल, हाउस सब रखूँगा और हमेशा आप एक अच्छी ज़िंदगी जिए। अगले सीन में हम देखते हैं वो अपने घर पहुँच चुका होता है, उसकी बहन उसे देख के कहती है, ओ भाई आखिरकार तुम वापस आ ही गए। अगले पल हम देखते हैं वो लोग अपनी मॉम के साथ बैठ कर लंच कर रहे होते हैं। उसकी मॉम कहती है, तुम और लो, तुम्हें और खाना चाहिए क्योंकि तुम अभी बढ़ते बच्चे हो। और वो उससे पूछ रही होती है, तुम वहाँ पर अकेले कैसे रह लेते हो? मुझे पता है तुम्हें पैसों की कमी होती होगी, चिंता मत करो मैं तुम्हें और पैसे भेज दिया करूँगी। तभी वूजी अपनी मॉम के हाथों पर देखता है जिस पे एक स्कार बना हुआ था। सीन थोड़ा सा पास्ट में जाता है, ये 8 साल वाला वूजी होता है जो कुछ बना रहा होता है और वो उस खाने को निकालने जा रहा होता है, तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और कह रही होती है, मेरा सर बहुत ज़ोर से दर्द कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा देर तक सो गई, अब ये डिनर का वक्त हो गया। लेकिन तभी वो देखती है कि वो बर्तन वूजी से संभल नहीं रहा होता और गिरने वाला होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसकी मोमो से पूछ रही होती है, तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं लगी ना, बताओ मुझे। वो कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन आपके हाथ, उनके हाथ पूरी तरीके से जल चुके होते हैं। ओह कोई बात नहीं है, मैं इसे बस ठंडे पानी से धो लूँगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ उसकी मोम बर्तन धो रही होती है। वूजी सोच रहा था, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, मैंने आपको बहुत सारे दुख भी दिए क्योंकि मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा गधा था, और मुझे इसके लिए भी माफ़ कर देना कि मैं आपको जुओ के हाथों से नहीं बचा सका। वो कहता है अपनी मॉम से, मॉम मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी मॉम मुस्कुराते हुए कहती है, बेवकूफ़ बच्चे आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वूजी उन्हें बताता है कि वो बाहर पैसे कमा रहा है और कल वो अपने सारे जो भी कर्जदार हैं उन सभी को पैसे दे देंगे और फिर उसके बाद वो एक बड़ा सा आलीशान घर खरीदेगा। वो कहती है कि ये इतना आसान भी नहीं है, पैसे कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तुम्हें पैसों को इधर उधर खर्च नहीं करना चाहिए। वूजी उनसे कहता है, मॉम मैं ये चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो जाए, मैं ये चाहता हूँ कि आपको कोई भी कष्ट ना हो। उसकी मॉम सोच रही होती है, मतलब वो अपने हस्बैंड से कह रही होती है जो अब इस दुनिया में नहीं है,
कि देखो हमारा वूजी कितना बड़ा हो गया है। सीन चेंज होता है, वूजी एक अपार्टमेंट देखने के लिए गया होता है। वो सोच रहा होता है यहाँ का इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है और प्राइस भी कुछ ज़्यादा हाई नहीं है, ये उतना महंगा नहीं है, इसीलिए लगता है मेरी मदर यहाँ पे अच्छे से रह पाएगी। उस अपार्टमेंट के बाहर एक बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी आती है जो होती है फरारी F1 2TDF, जिसमें एक बहुत ही अमीर आदमी बैठा हुआ होता है। उस कार में से एक लड़की बाहर निकलती है और वो उस आदमी से कहती है ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, ये देखने में बहुत अच्छी लग रही है। वो कहता है ठीक है तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दिलवा दूंगा। और इधर लोग बातें कर रहे होते हैं, देखो उस बदसूरत आदमी को, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी है। और फिर दूसरा वाला बोलता है कि पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। वो लेडी कहती इस जगह को देखो, यहाँ पर कितने सारे फ्लावर्स हैं, यहाँ का गार्डन भी कितना अच्छा है और ये अपार्टमेंट कुछ ज़्यादा ही बड़े लग रहे हैं। और इधर दूसरी तरफ वो लेडी वूजी को बता रही होती है यहाँ इस जगह के बारे में कि यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ एक टूरिस्ट स्पॉट भी है मतलब सामने में है, और ट्रांसपोर्ट भी आसानी से इधर उधर जाया जा सकता है, कोई झंझट नहीं है। हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ तक कि इसकी ओपनिंग होने से पहले भी मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी और बहुत सारे हज़ारों में प्री ऑर्डर्स हो चुके थे कमरे पहले ही से। वूजी उससे कहता है कि मुझे और बताते रहो, मुझे एक बहुत ही महंगा वाला घर चाहिए। और फिर वो उसे कंडीशंस बताता है कि उसे किस तरफ, मतलब एक रहता है ना कि मतलब सूरज के तरफ ये रहना चाहिए, वो सब बताने लगता है। उस लेडी की नज़र वूजी पे जाती है, वो कहती है तुम, वूजी कहता है अरे तुम। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम जूमेल है, जब हम जूनियर हाई स्कूल में थे तुम हमेशा मेरा पीछा किया करते थे। तुम यहाँ पर घर खरीदने की सोच रहे हो, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारा परिवार तो बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करता था ना, मुझे तो इस बात का डर है कि अगर तुम डाउन पेमेंट पे भी यहाँ घर लोगे तो तुम पूरा नहीं चुका पाओगे। वूजी को याद आ जाता है कि ये वही है जिसके वजह से इसे घर से पैसे चुराने पड़ते थे ताकि वूजी इसे महंगे महंगे सामान, मूवी टिकट्स और घुमाने फिराने के लिए ले जा सके। और इस तरफ ये लड़की सभी लोगों को बताते चल रही होती है कि वो वूजी है ना वो बहुत ज़्यादा फनी है, बिल्कुल किसी पालतू कुत्ते की तरह मेरी सारी बातें मानता है। वूजी सोच रहा होता है आखिर ये इतनी ज़्यादा सुंदर कैसे हो गई, ज़रूर ये प्लास्टिक सर्जरी का कमाल है। वो लड़की कहती है मिस हमें इस अपार्टमेंट में सूट चाहिए, मगर वूजी कहता है कि मुझे वो चाहिए और मैं इसकी पूरी पेमेंट करने के लिए भी तैयार हूँ। वो मिस कहती है कि हमें माफ़ करिएगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही सूट बचा था और ये जेंटलमैन यहाँ पर पहले आए इसीलिए वो सूट इनका हुआ, आप लोग कोई और सूट क्यों नहीं देख लेते हैं, मैं आप लोगों को दूसरे बढ़िया बढ़िया सूट दिखा देती हूँ। सूट यानी पहनने वाला सूट मत समझना, सूट मतलब वो कमरा वहाँ पर जो बुक करने वाला होता है। उस लड़की को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा ये बंदा, मैं इसे जूनियर हाई स्कूल से जानती थी, ये मेरा क्लासमेट है, मैं इससे बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, इसके पास इतने पैसे नहीं हो सकते। वो कहती है लेकिन हम लोग अलग हैं, हम आधे पैसे अभी देने के लिए तैयार हैं, तुम अपना देख लो पहले। वो लेडी वूजी के कार्ड को स्वाइप करती है लेकिन वो कार्ड फेल दिखा रहा होता है। अब हमारा वूजी क्या करेगा, क्या उसे ये अपार्टमेंट में एक सूट मिल पाएगा या फिर नहीं, ये जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल एनवी एक्सप्लेन्स में। लेकिन रुको, एक मेन बात तो बताना ही भूल गया, आप लोग में से बहुत लोग मेरी मदद करने के लिए ढेर सारे एड्स देख ले रहे हैं बार बार वीडियो चला के, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ एक ही बार वीडियो देखें, जितने ऐड आए बस उतना ही देखें, बार बार ना करें वो चीज़। ऐसे बार बार सिर्फ एड्स देख के वीडियो ना देखने पर YouTube को कुछ गड़बड़ लगती है और फिर उससे वो मेरा मोनेटाइजेशन भी ऑफ कर सकता है।